हेलो साथियों एग्जाम वट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है हमने पिछले सेशंस में इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़े जैसे कि ओजोन डिप्लेशन और ओजोन फॉर्मेशन आज इसी तरह के एक और टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है यूट्रोफिकेशन तो आप सभी ने अपने आसपास किसी न किसी सीजन में एक ऐसा मतलब पौंड देखा होगा जिसमें आपको अगर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस पर जाएं तो आपने देखा होगा कि वो पूरा पौंड या कोई स्टेगनेंट वाटर है लेक है जहाँ पर पानी रुका हुआ है वो पूरा ग्रीन कलर के जो एलगी जिनको एलगी कहते हैं वो ग्रीन कलर के पूरे एक एक तरह के ऑर्गेनिज्म से एक तरह के लिविंग बॉडी से ढका हुआ होता है ठीक है तो हम उसी के बारे में समझेंगे वो कैसे होता है क्या वो हार्मफुल है कि नहीं है ठीक है और उसका उसका नाम अगर हम देखें तो उसका नाम यही है यूट्रोफिकेशन हिंदी में इस टर्म को बोला जाता है सुपोषण अगर हिंदी का टर्म हम समझें तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है हिंदी में इसको बोलते हैं सुपोषण सुपोषण का मतलब अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी जो हम लोग के लिए पोषक तत्व तो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोग को ज्यादा अमाउंट में मिलने लगे तो उसी को बोलते हैं सुपोषण एक होता है कुपोषण कुपोषण का मतलब होता है जितनी रिक्वायरमेंट हम लोग के लिए है ठीक है वो उस तरह का न्यूट्रिय हमको मिल नहीं रहे उतने न्यूट्रिय उतने अमाउंट में मिल नहीं रहे तो सेम ये है यूट्रोफिकेशन ये उसका अपोजिट है इसको बोलते हैं सुपोषण इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं जहां पर हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन जनरली हम वाटर बॉडीज में पढ़ रहे हैं वाटर बॉडीज के लिए ये टर्म यूज होता है तो वाटर बॉडीज में न्यूट्रिय एनरिचमेंट जो होती है उसी को टर्म दिया गया है यूट्रोफिकेशन एक सर्टेन लेवल से ज्यादा जब न्यूट्रियट्स आ जाते हैं तो उस उस सिचुएशन को उस उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन हम लोग यूट्रोफिकेशन पर घुसे इससे इससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं

हम एक एक चीज को समझेंगे कि किसको बोलते हैं ये न्यूट्रिय बेसिस पे उसकी, उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिय कितने अमाउंट में है ठीक तो अगर हम सबसे पहला देखें ऑलिगो तो ऑलिगो का मतलब होता है कि अगर इसको साइंटिफिक टर्म में डिस्क्राइब किया जाए तो ऑलिगो का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेटिक इकोसिस्टम या ऐसा बॉडी जिसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो है आप सभी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में आइडिया होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सनलाइट में जैसे फोटोसेंस मेन एग्जाम्पल इसका है कि फोटोसेंसिस के थ्रू तो फोटोसेंसिस के थ्रू तो थ्रू जो बायोमास जनरेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो होती है वो ऑलिगोट्रॉफिक में लो होती है इसका रीजन क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो होने का कि इसमें न्यूट्रिय इनरिचमेंट कम है मतलब न्यूट्रिय कम है लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय हैं तो ओलिगोट्रॉपिक अगर वाटर बॉडी है तो इसका मतलब इसमें लो अमाउंट न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी जितनी तो दो टर्म ध्यान रखने होंगे इस लेक्चर में एक फाइटोप्लैक्टन हो गए एल्गी, एल्गी तो आप सबको पता है जो फोटोसेंसिस करते हैं ठीक है जो मेनली वाटर बॉडीज में प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ठीक तो जो इसमें क्या होता है कि जो अगर अमाउंट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट अमाउंट कम है तो फोटोसेंसिस कम होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो कम होगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओलीगोट्रॉफिक जो पहला टाइप का जो वाटर सिस्टम है ओलीगोट्रॉफिक अगर सिस्टम है तो इसका उस उस वाटर सिस्टम को ओलीगोट्रॉफिक वाटर सिस्टम कहेंगे जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी इसका मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है कम है अब जो दूसरा है वो हम लोग ने दे देखा था मीजोट्राफिक टर्म यूज किया जाता है इंटरमीडिएट के लिए तो इसमें क्या होगा इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम पीपी से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरमीडिएट प्राइमरी प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंसड अमाउंट में है इंटरमीडिएट अमाउंट में ठीक है यानी न्यूट्रिएंट्स इंटरमीडिएट अमाउंट में है. तो ऐसी ऐसा वाटर बॉडी या ऐसा सिस्टम इको सिस्टम जिसमें न्यूट्रिय जो है बैलेंस्ड अमाउंट में है या इंटरमीडिएट अमाउंट में है और जिसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी इंटरमीडिएट है ना बहुत हाई है ना बहुत लो है उस तरह के जो उस तरह के जो वाटर uh, बॉडी उसको बोलेंगे मीजोट्रॉफिक वाटर बॉडी अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जिसको बोलते हैं यू यू का मतलब होता है जैसा कि हमने शुरू में बताया पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है यहां पे तो यू का मतलब क्या है कि न्यूट्रिय इनरिच्ड हैं ज्यादा हैं ठीक है, है तो यानी जितना अमाउंट चाहिए होता है उससे ज्यादा न्यूट्रिय है, है तो यहां पर क्या होगा हाई बायोमास प्रोडक्शन होगा यानी हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी रीजन क्या है कि यहां पर न्यूट्रियट इनरिचमेंट है अभी हम लोग किसी तरह का कोई आ, वो नहीं पढ़ पढ़े हैं, जो यूट्रोफिकेशन टॉपिक हम लोग अभी देख रहे हैं वाटर बॉडी का क्लासिफिकेशन इसी टर्म से जो ये देखिए यहां पर देखिए यूट्रोफिक, यूट्रोफिक लिखा है इसी से यूट्रोफिकेशन बना है यानी अब अगर इतना है तो यहां से यूट्रोफिकेशन हो सकता है हम लोग वो आगे समझेंगे तो अगर यू, यूट्रोफिक जो टाइप का होता है उसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिय इनरिचमेंट होती है न्यूट्रिय अमाउंट ज्यादा होता है इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी जाती ज्यादा बायोमास जनरेशन ज्यादा होता है ठीक अब अगर इससे आगे बढ़ा ठीक है इसके आगे बढ़ा तो उसको बोलते हैं हाइपर यूट्रॉफिक हाइपर यूट्रोफिक या इसी को भी बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक इसका क्या मतलब है कि ऐसी वाटर बॉडी जिसमें न्यू जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है बियॉन्ड यूट्रॉफिक लेवल जा चुका है यानी बहुत ज्यादा एनरिच हो चुका है चाहे वो नेचुरल कॉज से चाहे एंथ्रोपोजेनिक कॉज से ठीक है वो किसी भी कोई भी कॉज हो उससे जो न्यूट्रिएंट अमाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं ठीक है इसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी इसकी भी बहुत हाई होगी इनिशियली प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी बायोमास जनरेशन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि न्यूट्रिय इनरिचमेंट होगी ठीक अब हम इन्हीं दो के आसपास का हमारा पूरा टॉपिक है इन्हीं दो जो टाइप के इकोसिस्टम है इक्वेटिक इकोसिस्टम ठीक अगर ऐसा फिनोमिना हो रहा है किसी इक्वेटिक इकोसिस्टम में तो उस ही सिचुएशन को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ठीक अब हम लोग जो समझेंगे सबसे पहले यूट्रोफिकेशन किसी तरह का कोई अगर नेचुरली देखें तो ये नेचुरली प्रोसेस होती रहती है लगातार ठीक है तब तो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स में तो एक नेचुरल कॉज होता है एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज होता है यूट्रोफिकेशन का तो नेचुरली यूट्रोफिकेशन तो होता ही रहता है ठीक लेकिन जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से यो रैपिड यूट्रोफिकेशन होने लगेगा तो वो पोल्यूशन के फॉर्म में आएगा जैसे हमने ओजोन डिप्लीशन में भी देखा था कि ओजोन तो जो चैपमैन साइकिल थी उसमें ओजोन तो कॉन्टिन्यूअस उसका फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन हो ही रहा था लेकिन जब यहाँ से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से जो फोसिल फ्यूल बढ़ने की वजह से गैसेज निकल रही थी ओजोन पर जा रही थी और वो रैपिड डिस्ट्रक्शन करा रही थी ओजोन मॉलिक्यूल का इस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था सेम यहाँ पर भी कि यूट्रोफिकेशन तो कॉन्टिन्यूअसली हो ही रहा है ठीक वो नेचुरल कॉज की वजह से कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है लेकिन जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से वो कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग आगे देखेंगे उसकी वजह से जब जब रैपिड यूट्रिफिकेशन होने लगता है तो वो किस फॉर्म में हम लोग को दिखता है वो पॉल्यूशन के फॉर्म में दिखता है ठीक अब जो यहां पर हमने देखा कि चार आ, चार तरीके का जो ट्रॉफिक यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा इसमें वाटर बॉडीज में पहला था ट्रोफिक, ट्रोफिक, ट्रोफिक और हाईपर हाईपर है, है, इसको तीन चार नाम ट्रॉफिक जाता है और को ट्रॉफिकाराइपोट्रॉफिक भी कहते हैं तो आप लोग रखेंगे। ठीक, तो हाईपो, हाईपो भी कहते हैं देखिए टॉपिक है, जो पूरा है ये बहुत ऐसे अगर जाएंगे, तो आप लोग जब कभी अगर एमएससी में गए उसमें अच्छे से पढ़ा जाएगा लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल इंफॉर्मेशन ही लेनी टॉपिक में ठीक तो हम लोग यहां तक अब हम लोग देखते हैं यूट्रिफिकेशन होता क्या है तो यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे पूरी वॉटर बॉडी आइदर होल वॉटर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट चाहे तो पूरी वॉटर बॉडी या उसका एक पार्ट क्या हो जाए इनरिस्ट विथ न्यूट्रिएंट्स इसी पूरे फिनोमेना को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन ठीक किसी वाटर बॉडी का पूरा एक पार्ट या पूरी की पूरी वाटर बॉडी अगर न्यूट्रिएंट्स से इनरिच्ड हो जाए यानी उसका जो बैलेंस है बैलेंस है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएं और मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोग देखें स्पेशली मेनली फॉस्फोरस फॉस्फेट जो फॉस्फोरस है और एक नाइट्रोजन ये दो न्यूट्रिएंट्स अब ये इन दोनों का नाम आ गया तो यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये ह्यूमन की वजह से ही ज्यादा हो सकता है अगर अगर रैपिड ग्रोथ हो रही तो ह्यूमन की वजह से ज्यादा हो रहा है ठीक यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ही ज्यादा हो रहा है तो यूट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द होल वाटर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट बिकम्स इन रिच्ड विथ न्यूट्रियट्स लाइक फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स इन दोनों एलिमेंट्स के से इनरिच हो जाए ठीक उसको बोलते हैं किस वजह से हो आइदर नेचुरल प्रोसेस आइदर नेचुरली और कल्चरली या एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से तो इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन

टाइप्स ऑफ यूट्रिफिकेशन या उसके कॉजेज क्या क्या हैं ठीक तो यूट्रिफिकेशन दो तरीके से होता है एक नेचुरल यूट्रिफिकेशन हमने बताया था नेचुरल ये प्रोसेस चलती रहती है नेचुरल यूट्रिफिकेशन कैसे होता है कि जो नेचुरल मिनरल्स हैं जैसे रॉक्स के इग्नियस रॉक हो गए इन सब में इनको ब्रेक ये ब्रेक होते हैं ठीक है या तो फिजिकल uh, इन्वायरमेंट से जैसे वाटर सोयल टेम्परेचर से या तो ब्रेक हो सकते हैं या तो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइकेन मॉसेज और फंगस इनकी वजह से ब्रेकडाउन होके या या फिजिकल इन्वायरमेंट से ब्रेक होके जैसे वाटर से ही ब्रेक हो रहे हैं टेम्परेचर से ब्रेक हो रहे हैं सॉयल या इस तरह के एयर से ब्रेक हो रहे हैं तो इन सब से ब्रेक होके क्या करेंगे ये वाटर बॉडी में जाके मिलेंगे और वाटर बॉडी को न्यूट्रिय रिच बनाएंगे ठीक तो ये प्रोसेस है लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस इसको होने में सेंचुरीज लग जाती है ठीक है बहुत लंबी प्रोसेस है ये इतने धीमे होती बहुत स्लो वेरी स्लो प्रोसेस है ये यूट्रिफिकेशन की इसीलिए वाटर बॉडी बैलेंस फॉर्म में रहती है वेरी स्लो प्रोसेस है ठीक है इसमें सेंचुरीज लग जाती हैं किसी लेक को लेक का यूट्रिफिकेशन कराने में सेंचुरीज लग जाती हैं कैसे होगा पहले तो वो ओलिगो में रहेगा फिर वो मीजो में आएगा फिर जाके यूट्रिफिकेशन होगा उसका या फिर हाइपर या यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है या हाइपर तो आगे चलती रहती है तो नेचुरली ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाता है ठीक लेकिन अगर हम देखें दूसरा रीजन इसका जो कल्चरल रीजन है यानी एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक रीजन का रीजन का मतलब होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है बाय ह्यूमन एक्टिविटी इसका क्या कॉज हो सकता है इसका कॉज अब देखिए हम देखते हैं एलिमेंट्स का जैसे हमने देखा दो एलिमेंट्स है एक फॉस्टेट है और एक नाइट्रोजन फास्फोरस और नाइट्रोजन इस तरह के हैं तो ये आपने देखा होगा कि, जो हम हैं। जैसे कि उसमें एनपी के देते, है? देते हैं ठीक तो ये क्या है एनपी के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एन और नाइट्रोजन और को तो ये मेनली किससे आ रहे हैं एग्रीकल्चरल ऑफ से ठीक एग्रीकल्चरल रन ऑफ लेकिन जो एक फॉस्फेट है इसका भी मेजर एक सोर्स है और ठीक है मेजर मेन सोर्स तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ ही है जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ इसका भी है और इसका भी एग्रीकल्चरल रनऑफ है एग्रीकल्चरल रनऑफ का मतलब क्या है कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड में फर्टिलाइजर का यूज किया और वो फर्टिलाइजर वहां से निकल के कैसे जब वाटर साइकिल चलती है तो वहां से निकल के किसी वाटर सिस्टम में जाके चला जा रहा है तो उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो दूसरा है इसका फॉस्फेट का डिटर्जेंट्स का डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है तो डिटर्जेंट्स तो ये हो गया अब डिटर्जेंट्स कहां से निकलेंगे या तो इंडस्ट्रियल रन ऑफ से निकलेंगे इंडस्ट्रियल या तो डोमेस्टिक रन ऑफ से तो डोमेस्टिक जो रन ऑफ होता है हमारे घर के जो वॉशरूम से वहां से और इंडस्ट्रीज से जो निकलता है वहां से और नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन का क्या एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो गया ये हो गया इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंडस्ट्रीज से भी निकलता है

अगर हम लोग देखें वजह से यूट्रोफिकेशन हो सकता है ठीक ये अब जो ये फॉस्फेट है ये मेनली अफेक्ट करता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर यूट्रीफिकेशन का फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के यूट्रिफिकेशन होने का मेन सोर्स क्या है फॉस्फेट जो मेन एलिमेंट है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फेट ग्रुप के जो मिनरल्स है मेन मिनरल्स ये है और जो मेराइन इकोसिस्टम होता है या एक, अगर हम देखें ओशियानिक है मैराइन है तो उसका क्या होगा उसमें मेनली तो नाइट्रोजन लेकिन फॉस्फेट भी होता है तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन दोनों मिलके मैराइन इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं लेकिन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को अगर देख रहे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को वो करने के लिए यूट्रीफाई करने के लिए यूट्रिफिकेशन उसका करने के लिए हमको फॉस्फेट जैसे फॉस्फेट मिनरल्स की जरूरत पड़ती है तो ये हो गया यूट्रिफिकेशन ऐसे होता है इसके बाद हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं सबसे बड़ा इफेक्ट जो आप ग्रीन ग्रीन देखते हैं उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम एलगल ब्लूम उसको टर्म जो पूरे वाटर बॉडी में जैसे ये अगर ये लेक है ये लेक है तो इसकी पूरी सरफेस पे एलगी स्प्रेड हो जाएंगे ठीक अब एलगल ब्लूम अब ये स्प्रेड होने की वजह से क्यों स्प्रेड हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रियन इंड एलगल ब्लूम क्या होता है कि जब कोई मेनली यूनिसनलीर वैसे यूनिस एलगी बोलते हैं यूनिसेलुलर एलगी जैसे कि हम देखें ब्लू ग्रीन एलगी साइनो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं इनका मेन नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फाइटोप्लैंक फाइटोप्लैंक्टेंस ये जब रैपिड इनकी ग्रोथ होती है और अनस्टॉपेबल हो जाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एल्गल इल्ग, ब्लूम पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं तो इनका इफेक्ट क्या होगा जब ये पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे मतलब ये फोटोसेंसिस करेंगे वहां की जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी डीओ जिसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन उसका यूज कर लेंगे ठीक है उसका यूज मतलब ऑक्सीजन ये डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज ऐसे नहीं होगा सॉरी यहां पे आप देखेंगे अभी इसको देखते हैं कि ये क्या करेंगे पहली बात तो कवर कर लेंगे पूरी लेक को जब पूरी लेक को ये लोग ऐसे कवर कर लेंगे तो यहां पर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट नहीं होगा ठीक अब लाइट जरूरी है अंदर अंदर के जितने प्लांट्स हैं वो डेड हो जाएंगे अंदर के जो प्लांट्स डेड अगर डेड हो गए तो क्या होगा इनका डिकम्पोजिशन होगा अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरियाज वो जहां पर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसका यूज कर लेंगे अब जब यहाँ के प्रेजेंट ऑक्सीजन यूज डिजोल्व डिजौ, डिजौ, ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी तो यहाँ में जो इक्वेटिक लाइफ है ये अफेक्ट होगी इक्वेटिक लाइफ को नहीं मिलेगी तो इसीलिए क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट पे अगर ये ऑक्सीजन कम हो गई तो वहां की जो फिश होती हैं, जितने भी प्लांट होते हैं या जितने भी तरह की इक्वेटिक लाइफ होती है सारी खत्म हो जाती है तो ये लोग यहां पर डेड जोन बनाते हैं

वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी और इसके बाद वहां के जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेड हो जाएगी इसी को बोलते हैं एक और टर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी ठीक ये हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे कि क्या होता है ठीक तो इस और इसके है कि इनवेजिव स्पीज हैं ठीक जो अलग अलग दूसरी स्पीसीज हैं अगर न्यूट्रिय का जो कंपोजिशन है वो बदला है तो नई स्पीसीज आ सकती है तो कंपटीशन बढ़ेगा और इकोसिस्टम हैबिटेट का लॉस होगा वाटर बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और फूड चेन में टॉक्सिसिटी आएगी ये दोनों को एक साथ देखें तो अगर एक, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल फूड पॉइजनिंग सेल फूड पॉइजनिंग ये क्या होता है जो सेल फूड होते हैं जैसे कि उसमें क्या होता है ये लोग यहां पर जब वाटर बॉडी टॉक्सिक होती है तो सेल फूड जो जो सेल होती हैं उनमें पॉइजनिंग होती है और जब ये हमारी फूड चेन में आते हैं ठीक है जब ह्यूमन की फूड चेन में आते हैं तो हम लोग के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं इसके जो इफेक्ट होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो अगर सेल्फ फूड नाम आ जाए तो वो किससे है यूट्रिफिकेशन से और इसका इफेक्ट क्या होगा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है ठीक है एनिमल्स में और जो और सब में टॉक्सिसिटी आ रही है वो तो आ ही रही है कि जो फिशेज हैं वो उनकी डेथ हो रही है लेकिन ह्यूमन तक इसका इंपैक्ट होता है थ्रू फूड चेन ठीक है तो फूड चेन से इसका इंपैक्ट ह्यूमन तक आएगा तो ये जो सारी चीजें थी यूट्रिफिकेशन की थी ठीक अब इसका इफेक्ट अगर देख लेते हैं हम इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट है है कि पॉइंट सोर्स जो पोल्यूशन उनको कम करें पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का मतलब है sewage. Sewage है सीवेज सीवेज जो हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए कि जो सीवेज है उससे फॉस्फेट जनरेशन होता है जो अगर अनट्रीटेड सीवेज है यहां पर अनट्रीटेड सीवेज अगर आ रहा है यहां पर तो इससे भी फॉस्टेट आते हैं ठीक है सॉरी नाइट्रोजन आते हैं तो नाइट्रोजन एनिमल वेस्ट से भी आता है जो अनट्रीटेड सीवेज होता है इससे भी आता है तो अनट्रीटेड सीवेज अगर है तो उससे नाइट्रोजन आएगा तो यहां पर क्या होगा उसका जो पॉइंट सोर्स है सीवेज है इसका ट्रीटमेंट करें जितने भी तरह के हमारे यहां सीवेज अगर जा रही है तो डायरेक्ट उसका उसके अंदर वाटर बॉडी को डायरेक्ट उसको ना डालें जैसे उसको ट्रीट करके डालें तो यही हो सकता है इसका और अगर इसमें देखें एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं ठीक है फील्ड uh, बफर का यूज होता है आजकल और न्यूट्रियन मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करके इनका जो है हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि रन ऑफ जो हो वो मिनिमाइज कर सकें और वहां पर वाटर बॉडीज में यूट्रीफिकेशन ना हो तो ये हम लोग का जो पूरा लेक्चर था ये यूट्रिफिकेशन का था इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एक दो क्या आते हैं एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो और बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है अगर ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपको वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी ठीक तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है थैंक यू सो मच आपको हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और एग्जाम वर्ड का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एग्जाम वर्ड का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और मेरी जो बैच है वो पंद्रह फरवरी से लॉन्च होने वाली है तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच